हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद और बलिकार है सिंधी रेडियो में। आज मैं आपके साथ बटर मेथी पालक मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने एक बंच मेथी का लिया है और एक बंच पालक का लिया है, जिसको हम उर्दू में पालक और मेथी की गट्टी भी कहते हैं। उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने पालक और मेथी को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने दो प्याज ली हैं मीडियम साइज की, तीन से चार हम लोग टमाटर भी इसमें ले सकते हैं। और हम बटर मेथी पालक मसाला की रेसिपी में जो चीज़ें शामिल होंगी, वो मैं स्लो स्लो आपको रेसिपी में शेयर करूंगी। अब हम प्याज को छील के कटिंग करेंगे और टमाटर को भी हम चॉप करेंगे। अभी हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब ये ऑयल भी स्लो स्लो गर्म हो रहा है, तो मैंने ये प्याज कटिंग कर ली है। और इसका फ्लेम जो है मैंने स्लो पे रखा है। अब स्लो स्लो ये प्याज थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। तो उसके बाद मैंने 10 to 12 पीसेस काजू के डाले हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं और इसका फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे कर लिया है। और 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। अब ये 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया, तब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और ये ग्रेवी जो है हम लोग ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर अब मैं मेथी और पालक को अच्छे से वॉश करूंगी। ये प्याज और टमाटर हमने जो भून के रखे थे वो अब ठंडे हो चुके हैं, तो हम ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें हम ये सारी चीजें डालेंगे। अभी मैंने डाल दिया है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसी कढ़ाई में पहले हम बटर डालेंगे 2 टेबलस्पून। उसके बाद ये स्लो स्लो बटर मेल्ट हो रहा है। ये बटर अब मेल्ट हो चुका है, तो हम इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का डाल रहे हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर इसमें लाइट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम लाइट फ्राई करेंगे। उसके बाद जो मैंने मेथी और पालक को अच्छे से वॉश कर लिया था, तो उसके बाद हमें ये डालेंगे। अभी हमने मेथी और पालक डाल दिया है। अब इसको हम स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम नमक डालेंगे एज पर टेस्ट।
और 5 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन देंगे और इसका फ्लेम जो है हम मीडियम पे रखेंगे। अब ये पालक और मेथी थोड़ी सी पक चुकी है, तो हमने जो ग्रेवी तैयार की थी प्याज टमाटर और काजू की, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और इसमें हम अब पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम 5 से 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन देंगे, क्योंकि मेथी और पालक जो है वो ग्रेवी में अच्छे से पक जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि पालक और मेथी जो है इस ग्रेवी में अच्छे से पकनी चाहिए। और अब इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद जो है हम इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून को हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसमें ग्रेवी और मेथी पालक जो है वो अच्छे से पक जाएंगे। अब हमने इसका ढक्कन खोल लिया है। गरम बटर मेथी पालक मसाला की सब्जी रेडी हो चुकी है। ये गरम गरम बटर मेथी पालक मसाला खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये रेसिपी अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।